दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार, स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं स्टेबल डॉ से पैसा निकालने वाला हूं। स्टेबल डॉ में जो कमाई आप लोग कर रहे हैं उसको मैं ट्रांसफर करने वाला हूं। जाहिर सी बात है दोस्तों, वहां पे जो अर्निंग हो रहा है इंटरेस्ट के रूप में, वो क्रिप्टो क्वाइन के रूप में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उसको निकालने के लिए एक क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होना जरूरी है आपके पास। तो बहुत लोग के पास बिनांस होगा और भी क्रिप्टो एक्सचेंज होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में बता रखा हूं। ये देखिए, यहां पे मैं उसका लोगो दिखा रहा हूं, गोइस्टर्स, जो कि इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है मोल 91 की तरह। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं स्टेबल डॉ में जो कमाई हो रहा है उसको ट्रांसफर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे मेरा स्टेबल डॉ का कमाई आप देख सकते हैं, करीब करीब दोस्तों यहां पे $23-24 हो चुका है और इसको मैं निकालने वाला हूं, ठीक है ना दोस्त। बहुत लोग हमसे ये कमेंट में बोल भी रहे थे कि ये जो बंदा है, ये जो वीडियो बनाता है, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म के बारे में बताता है, कभी भी फाइनल एग्जीक्यूशन नहीं दिखाता है, कभी पैसा निकाल के नहीं दिखाता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कम आपको पता चल जाएगा कि भैया मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म के बारे में बताता ही नहीं हूं, बल्कि वहां से जो कमाई होता है उसको निकाल के भी दिखाता हूं। मॉल 91 के बारे में मैंने बताया, इसके बारे में अभी मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे जो भी प्लेटफॉर्म पैसा देना स्टार्ट करेगी और वहां से निकलना स्टार्ट होगा, मैं वीडियो लाऊंगा। इसलिए दोस्तों आप इस तरह का कंफ्यूजन में ना रहे, ठीक है ना। मैं जो ही बताता हूं रियल प्लेटफॉर्म ही बताता हूं, अगर कोई फेक प्लेटफॉर्म आता है उसके बारे में मैं बताता हूं। तो जाहिर सी बात है आपको सावधान रहने के लिए बताता हूं कि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना। मेरा मकसद यही रहता है, समझ रहे हैं। प्लीज दोस्तों कमेंट में लिखिएगा कि मेरा जो मकसद रहता है क्या सही रहता है कि नहीं रहता है, वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है क्या वो सही है कि नहीं है, प्लीज कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। क्योंकि कुछ दोस्त है जो यहां पे कुछ जो है मेरे बारे में ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो है बंदा सिर्फ वीडियो है बगलाने के लिए बनाता है। तो प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ गए। चलिए तो आज के वीडियो में अभी मैं दिखाने वाला हूं आपको कि स्टेबल डॉ से कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों आपको मालूम है कि स्टेबल डॉ में आपको चाहे आप $1 निकालिए चाहे $1,000 निकालिए, आपको ₹2 यहां पर फीस लगने वाला है। ₹2 मतलब $2 फीस यहां पर लगेगा। चाहे आप 4 निकालिए, 1,000 निकालिए, 1,00,000 निकालिए, फ्लैट $2 आपका यहां पर कटिंग होगा, ठीक है, जो इसका चार्ज है स्टेबल डॉ का, ठीक है। तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूं, तो इत्मीनान से दोस्तों देखिए सारा प्रोसेस को देखिए। मैं अपने मोबाइल में आपको लेके चलूंगा, ये मोबाइल यहां पे आ गया होगा और मोबाइल में ले जाके आपको पूरा प्रोसेस इत्मीनान से बताऊंगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बढ़ा बढ़ा के वीडियो को नहीं देखिएगा, क्योंकि बढ़ा के देखिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ नहीं आएगा, एक कंफ्यूजन हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन रहे। मैं मानता हूं कि आपके वॉलेट में, जी हां, आपको स्टेबल डॉ के वॉलेट में उतना पैसा अभी नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी तो होगा ही ना दोस्त। क्योंकि कंटिन्यू जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो पैसा तो होगा, तो प्रोसेस तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे ट्रांसफर करना है पैसे को। तो ठीक है, ये वीडियो आप देख लीजिए और जब आपको ट्रांसफर करना हो तो आप ट्रांसफर कर लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे तो वीडियो यूट्यूब पर रहेगा ही मेरा, जब भी आपको देखना हो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं और वहां पर सारा प्रोसेस आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल का स्क्रीन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो अब चलिए सीधे आपको स्टेबल डॉ में लेके चलते हैं और स्टेबल डॉ में दिखा देते हैं कि मेरा यहाँ पे कितना बैलेंस है और कितना मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं फोल्डर बना के रखा हुआ हूँ स्टेबल डॉ का, देखिए यहाँ पे है, क्लिक करते हैं दोस्तों इसको। और जाहिर सी बात है क्लिक करने के बाद भैया आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसको कट करना है, कट करने के बाद दोस्तों यहाँ 3-dot line पे जाना है और यहाँ पे लॉग इन करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको यूजर नेम डालना पड़ेगा, चलिए यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यूजर नेम डाल दिया है और पासवर्ड भी डाल दिया है, इसको मैंने हैड कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है, चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं। आपको मालूम है कि इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलता है वेरिफिकेशन करने के लिए, तो इसको खसखा के इसमें इस बॉक्स में भरना होता है ना, और इससे ये दोस्तों इसको खींचा जाता है, ये देखिए है ना, इस तरीके से खींच के यहाँ पे डाल देना है। और दोस्तों ये आपको प्रोसेस करता है, वेरीफाई होता है, उसके बाद यहाँ लॉगिन होता है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये खुल गया, ओपन हो गया है और मेरा दोस्त यहाँ पे $25.12 यहाँ पे बन चुका है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ACUSD का मतलब क्या होता है, ACUSD का मतलब होता है $1, ठीक है, ACUSD का मतलब होता है $1। यानी कि दोस्तों जाहिर सी बात है मेरा यहाँ 25.1244 जो भी बना हुआ डॉलर के रूप में है, ठीक है। अब यहाँ से इसको करेंगे विदड्रॉ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जब भी विड्रॉ कीजिएगा आपको $2 यहाँ पे कटेगा, तो भैया मैं यहाँ से विड्रॉ करने वाला हूँ $25।
ठीक है ना, 25 विड्रॉ करूंगा, जिसमें दो मेरा कटिंग होगा फीस इसका जो है स्टेबल डॉग का, और 23 हमारे अकाउंट में आएगा जहां पे इसको मैं भेजूंगा। ठीक है, अब दोस्तों सिंपली यहां पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको उस प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूं जिस पे मैं इसको निकालने वाला हूं, थोड़ा उसके बारे में बता देता हूं आपको। जैसे देखिए दोस्तों यहां पे गियोटर्स है ना, गियोटर्स यहां पे देखिए यह प्लेटफॉर्म है, इसको मैं ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों ये जब ओपन होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको एक वेलकम बोनस करके आता है, जो मैंने आपको बता दिया है कि वेलकम 50 आप डालिएगा तो यहाँ पे आपको बिटकॉइन मिलता है, वीडियो में मैंने बता दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों अपना हम लॉग इन मेरा ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्त मैं इसको ट्रांसफर करने वाला हूँ। अब देखिए स्टेबल डॉ में क्या है, जब भी आप विड्रो लगाइएगा यहाँ पे विड्रो पे क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आता है USDT TRC20, इस पर क्लिक करते हैं तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, यानी आप जब भी यहाँ से ट्रांसफर करिएगा भैया तो USDT TRC20 के रूप में ही आपको करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे हम ले जाएंगे, जहाँ पे हम निकालेंगे पैसा को ट्रांसफर करेंगे यहाँ से, वहाँ भी USDT TRC20 का ही वॉलेट होना चाहिए, तभी तो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है ये क्रिप्टो की दुनिया में वॉलेट टू वॉलेट जब आप पैसा भेजते हैं तो एग्जैक्ट वही लोकेशन होना चाहिए और नाम भी सेम होना चाहिए, नहीं तो भैया इधर उधर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जाहिर सी बात है हमको USDT TRC20 का ही हमको यहाँ पर वॉलेट डालना होगा। चलिए इस प्लेटफॉर्म में आते हैं। अब दोस्तों आपको मालूम है कि अगर वहां से स्टेबल डॉ से निकालेंगे तो यहां पे हमको डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, ये तो मालूम है। तो देखिए दोस्तों यहां पे वॉलेट है, वॉलेट पे क्लिक करते हैं। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपका एमपिन डालना होता है, एमपिन आप लोगों ने बना लिया होगा, चलिए एमपिन डाल लेते हैं। दोस्तों एमपिन डाल लिए, ये देखिए लोडिंग हो रहा है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे दोस्त क्या करना है, हमें डिपॉजिट करना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है डिपॉजिट विड्रॉल, ये आपका पैसा जब रहेगा तब कीजिएगा, है ना। पैसा अगर डिपॉजिट करना है इसमें या यहाँ से पैसा विड्रॉ करना है तब इस पर क्लिक कीजिएगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी लाना है कहीं से तब नीचे आना पड़ेगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा USDT यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों USDT यहाँ पर आ गया है ना, ये देखिए। अब इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं ये USDT आपका खुल गया है। अब यहाँ पे गेट एड्रेस, ये जो गेट एड्रेस है इसी एड्रेस को जब हम गेट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एड्रेस आएगा जिसको वहाँ डालना होता है, और जहाँ से वहाँ से पैसा मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो गेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस खुल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ एक बात ध्यान दीजिए देने वाली है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू कैन विड्रॉल USDT थ्रू ERC20 और TRC20। दोस्तों ये बोल रहा है कि अगर यहां से पैसा आप निकालता है, इस प्लेटफॉर्म से निकालना है तो आपको USDT के थ्रू निकाल सकते हैं दोनों नेटवर्क से, ERC20 और TRC20। दोस्तों आपको मालूम है कि USDT का दो नेटवर्क है, TRC20 और ERC20। ERC20 और TRC20 में क्या फर्क है, फर्क यही है कि ERC20 में थोड़ा चार्ज ज्यादा लगता है, TRC20 में कम लगता है। तो दोस्त ये बोल रहा है कि आप अगर यहां से विड्रॉ करेंगे तो दोनों नेटवर्क में निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बाय चूजिंग द करेक्ट नेटवर्क। ठीक है, बट लेकिन USDT डिपॉजिट्स आर करेंटली लाइव ओनली फॉर ERC20। दोस्तों ये बोल रहा है कि भैया पैसा निकालने के लिए तो आप दोनों नेटवर्क से निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहां अगर जमा करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ ERC20 का नेटवर्क होना चाहिए, ERC20। लेकिन दोस्त यहां पर हमारा कितना है, TRC20, यानी कि जाहिर सी बात है ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है कि आप जब भी यहाँ डिपॉजिट कीजिएगा, अभी फिलहाल करेंटली जो है इसके पास अवेलेबल है ERC20 है, TRC20 नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो यहाँ पे TRC20 नहीं अभी अपडेट किया है, अपडेट कर देगा, इसलिए चिंता नहीं कीजिए, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सारा कुछ ही अपडेट करेगा। अब तो दोस्त जाहिर सी बात है अब सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पे ERC20 ये बोल रहा है, वहाँ पे TRC20 है, तो कैसे आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे Binance का सहारा लेंगे, ठीक है ना, अभी इसको साइड करते हैं, Binance का सहारा लेंगे, Binance में पहले ट्रांसफर करेंगे और Binance से यहाँ पे लाएंगे, Binance से यहाँ पे लाएंगे। देखिए अभी आपके सामने मैं करता हूँ, चलिए अब पहले हम Binance खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे Binance आपको दिख रहा होगा, है ना, Binance प्लेटफॉर्म यहाँ पे ये ओपन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ERC TRC सब मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ओपन हो गया है। तो दोस्तों अब Binance में क्या करना है, यहाँ पे वॉलेट में जाना है, वॉलेट में जाना है, वॉलेट में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों फंडिंग में जाएंगे, है ना, फंडिंग देखिए आपके सामने है, ये फंडिंग में जाइएगा, उसके बाद डिपॉजिट पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टेबल से जब हम विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे।
और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस टेबल में कौन सा आपका क्वाइन है, वहाँ पे आपका यूएसडीटी है। चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे दोस्तों क्या है। चलिए इस टेबल डो में यहाँ पे क्या है, आपका यूएसडीटी है ना, यूएसडीटी TRC20। तो चलिए यहाँ पे हम जब बिनांस में यहाँ पे आ गए हैं, डिपॉजिट पे क्लिक किए हैं, तो डिपॉजिट पे क्लिक किए हैं दोस्तों यहाँ, उसके बाद हमको यूएसडीटी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारा नेटवर्क है यूएसडीटी का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 नेटवर्क है, लेकिन हमको कौन सा नेटवर्क यहाँ पे चूज करना होगा तो पहले देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेबल डो किस नेटवर्क का यहाँ पे मांगता है, तो TRC20 मांगता है, तो यहाँ पे दोस्तों TRC20 सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। TRC20 में यहाँ पे जाएंगे, देखिए दोस्तों आपके सामने ये खुल गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों QR कोड खुल गया है TRC20 का, इसके माध्यम से भी आप पैसा ला सकते हैं। और ये वॉलेट एड्रेस है, इसको मैं हाइड करके रखा हुआ हूँ दोस्तों, यही वॉलेट एड्रेस है। यहाँ पे क्या करना है भैया, आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको कॉपी कर लिए, कॉपी हो गया। उसके बाद दोस्तों बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे रिसीविंग एड्रेस में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है, इसको मैं हाइड करके रखा हुआ हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको SUSD अमाउंट डालना है, कितना डालना है SUSD अमाउंट, तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं 25, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए 25 भैया, हमको निकालना है 25 लिख दिए। देखिए फीस आपका दो यहाँ डॉलर आपका फीस कट जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों इंटर रिमार्क में कुछ नहीं, यहाँ पे थैंक यू सिर्फ लिख दीजिएगा, थैंक यू है ना, बस थैंक यू लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है, तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको मालूम होगा, आपकी ईमेल आईडी पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड आया था। और दोस्तों जाहिर सी बात है मैंने आपको बता दिया है कैसे ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करना है, आपको मैंने बता दिया है वीडियो के माध्यम से, ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपके पास होना ही चाहिए। चलिए यहाँ पे अपना मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, योर विड्रॉ रिक्वेस्ट हैज बीन कैंसिल, मिनिमम 1 सेल्फ स्टेबल पॉइंट इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों अभी अभी आपने एक मैसेज देखा है यहाँ पे, ये मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने लिया था दोस्तों। यहाँ पे जो मैसेज आया है, जैसे ही हमने विड्रॉ किया एक मैसेज आता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने लिया है दोस्तों। ये मैसेज ये आता है ना, मैसेज आता है कि योर विड्रॉ रिक्वेस्ट, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है योर विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज बीन कैंसिल्ड, मिनिमम 1 सेल्फ स्टेबल पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू इनेबल विड्रॉल। यानी कि दोस्तों आपको अपना विड्रॉल को इनेबल करने के लिए यहाँ पे एक बार $100 इन्वेस्ट करना होगा, $100 इन्वेस्ट करना होगा। यानी कंपनी ने आपको जो दिया है वो आपने तो किया ही है, उसे इनकम हो रहा है, लेकिन विड्रॉल को इनेबल करने के लिए आपको $100 डालना होगा। तो दोस्तों कहीं आप लोग ये ना सोच बैठे कि भैया पैकेट से हमको लगाना होगा, जी नहीं, आप चाहें तो पैकेट से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आपका जो स्टेबल है और स्टेबल में जो इनकम यहां पे डेली शो हो रहा है, अगर ये इनकम भी आपका $100 हो गया, ये इनकम भी आपका $100 अगर हो जाता है, तो इस इनकम को भी आप इन्वेस्ट कीजिएगा वहाँ पे, तो आपका विड्रॉल जो है सिस्टम इनेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, पैकेट से लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि यहाँ $100 होने में समय लगेगा, जैसे मेरा 25 हो गया है, और ये 25 कितना दिन में हुआ है थोड़ा देख लीजिए, नीचे जाइए दोस्तों, ये देखिए 12 दिन में हुआ है, 12 दिन में मेरा 25 हो गया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों $100 होने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब $100 होगा, फिर से जब इसको हम इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद से मेरा विड्रॉल इनेबल हो जाएगा, और उसके बाद से जितना चाहे उतना विड्रॉल कर सकते हैं। यानी पैसा लगाने की हमको यहाँ पे बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, समझ गए? जी हाँ दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे आप लोग, गौर दिए होंगे, गौर से सुने होंगे बातों को, लगाने की जरूरत नहीं है। अब जब ये $100 होगा तब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, $100 यहाँ होने दीजिए, है ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पे हो जाएगा, उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद विड्रॉल में इनेबल होगा, उसके बाद निकाल सकते हैं। तो पैकेट्स लगाने की यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समझ गए? तो अभी फिलहाल मैं भी पैसा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 100 होगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा, फिर से जो पैसा आएगा मतलब इन्वेस्टमेंट मेरा डबल हो जाएगा। अभी जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो 100 डालेंगे तो डबल हो जाएगा, और वहाँ से जो मेरा विड्रॉल आएगा, वहाँ पर जो मेरा इनकम आएगा, तब उसको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ फ्री में।
ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे मेरी बातों को, उम्मीद करते हैं सारी बात जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको बताया, समझाया, दिखाया सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने प्रोसेस आपको बताया वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर कोई दिक्कत आपको होता है यहाँ पे तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना, आप अपने प्रॉब्लम को, अपने डाउट्स को मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपको दे दूंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। लाइक या डिसलाइक आप करें या ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि स्टेबल डो में जो मेरे भाई जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द जो है यहां से पैसे जो कमाए वो निकाले, उसका प्रोसेस वो जान ले, इसके लिए वीडियो शेयर कीजिएगा। और सभी लोग से बस इतना ही निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, जो $100 आपको मिला है स्टेबल डो में, तो इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट कीजिएगा तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, समझ गए, तो ये काम कर लीजिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो को यहां समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91, जय 5 बिलियन, जय।